नर्मदा तट के घाटों पर लापरवाही का नजारा। शव जलाने के बाद नर्मदा घाट किनारे फेंक रहे हैं पीपी किट। अंजड़ क्षेत्र में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच नर्मदा तट दत्वाड़ा घाट पर बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। यहां अंतिम संस्कार के लिए कोरोना संक्रमण व संदिग्ध शवों को लाने के बाद पीपी किट खुले में फेंके जा रहे हैं। पीपी किट को जलाने के बजाय इस तरह खुले में फेंकने से संक्रमण फैलने का खतरा मंडरा रहा है। शासन की गाइडलाइन है कि कोरोना से बचाव के लिए उपयोग में आने वाली कोई सामग्री बायोमेडिकल वेस्ट किया जाए, यानी उन सामग्री को जलाया जाए या नष्ट किया जाए ताकि संक्रमण न फैले। लेकिन दत्वाड़ा गाँव में तलुन खुर्द जल संवर्धन इंटेकवेल के पास नर्मदा नदी दत्वाड़ा घाट पर पीपी किट व अन्य अनुपयोगी मृतदेह की सामग्री को खुले में फेंका जा रहा है। इस ओर प्रशासन की नज़र नहीं जा रही है। कहीं ये लापरवाही गांव नगर सहित इंटेकवेल से जल प्रदाय होने वाले लोगों के लिए भारी न पड़ जाए। वहीं दत्वाड़ा गांव नर्मदा तट सहित छोटा बर्दा, लोहारा, मोहिपुरा व अन्य नर्मदा तटों पर अंतिम संस्कार किया जाता है। अब यहां के ग्रामीणों द्वारा ऐसे शवों का अंतिम संस्कार करने के लिए प्रशासन से रोक लगाने की मांग की जा रही है। मैं मनोज सोलंकी दत्वाड़ा से, मैं प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारे ग्राम दत्वाड़ा में आए दिन 5 से 7 बाड़ियां आ रही है, इन्हें जल्दी से जल्दी बंद किया जाए ताकि इस महामारी में हमारे गांव और करीब 20 से 25 जो गांव हमारे लगे हुए, जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर बिल्कुल पानी, इसके ठीक ये पानी नीचे जाता है, कहीं संक्रमित बाड़ियां आ रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, उधर देखिए ये फिल्टर प्लान जो है 20 से 25 गाँव में पानी जा रहा है हमारे यहाँ से दत्वाड़ा से। तो मैं नगर पालिका अध्यक्ष, थाना प्रभारी एवं तहसीलदार महोदय एवं कलेक्टर महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो 5 से 7 बाड़ियां डेली 8-10 भी आ रही, कभी कभी कोई बता रहा कि 10 से 12 आ रही है, तो हम चाहते हैं कि हमारे अंतिम संस्कार की प्रक्रिया बंद की जाए और जो बाड़ी जहां से आ रही है उसे उसी गाँव में किया जाए ताकि ये जो कोरोना की बाड़ियाँ आ रही है, हमारे देश में जो महामारी फैली हुई है, इससे हमारे गाँव जो 20-25 गाँव में पानी जा रहा है, मैं आपसे वापस निवेदन करना चाहता हूँ, ये पानी पूरा प्रदूषित हो रहा है और ये पूरे 20 से 25 गांव चपेट में आ सकते हैं। तो इसलिए मेरा प्रशासन से निवेदन है कि इसे जल्दी से जल्दी बंद किया जाए और ये कार्रवाई कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। धन्यवाद। क्या तकलीफ आ रही है घाट पे अभी शवों को जलाने को लेकर? अभी वहाँ पर बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। यहाँ से क्या 48 गाँव की जो नगर पालिका से जो लाइन भी गई है जी, प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैल रहा है और आए दिन कोरोना की बाड़ियाँ वहाँ पर आ रही है। तो गाँव में भी बहुत दहशत का माहौल है और गाँव में इन्फेक्शन बहुत फैल रहा है। कितने लोगों की डेड बॉडी एक शव आ रहे होंगे अंदाजन? वहाँ पर कम से कम 10-12 शव डेली आ रहे हैं। अच्छा, हाँ। तो गांव में क्या स्थिति, भय का वातावरण है? हाँ, भय का वातावरण बहुत ज़्यादा बना हुआ है और आधा से ज़्यादा गांव वो जो पानी दूषित पी रहे हैं उसमें पूरा संक्रमित हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि कार्रवाई करके, सीएमओ साहब के पास हम आए हैं, उसे जल्दी जल्दी कार्रवाई करें, उसे बंद किया जाए। वहाँ देखा जा रहा है कि सब वो वेस्ट अभी पटक के जा रहे हैं घाट पे। हाँ, बहुत ज़्यादा वो जो पीपी किट वगैरह भी है वहाँ पर, और बहुत ज़्यादा प्रदूषण खराब हो रहा है। क्या मांग है ग्रामीणों की? ग्रामीणों की यही मांग है कि ये जो जितने भी अभी अंतिम संस्कार हो रहे हैं, अब ये कोरोना की महामारी को देखते हुए उसे वहाँ पर बंद कर दिया जाए। कहाँ पर ये स्पॉट जो आप बता रहे हो? ये है अपने चिन्नय स्वामी का आश्रम है, वहाँ पर श्री चंगा बाबा के ऊपर, थोड़ा दत्वाड़ा में, दत्वाड़ा में, ग्राम दत्वाड़ा में।